फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वादिष्ट किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मोमोज। तो आइए जानते हैं इसकी सामग्री। चिकन मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बोनलेस चिकन, 1.5 कप मैदा, 3 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, हरा प्याज बारीक कटा हुआ 1/2 कप, 1 चम्मच गार्लिक और 1 चम्मच जिंजर चॉप किया हुआ, 1 चम्मच चिली सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटा चम्मच अजीनोमोटो और नमक स्वादानुसार। चिकन को हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो गया है, अब इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। मोमोज का आटा लगा लेते हैं। पहले मैदा लेंगे, नमक लेंगे इसमें और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें धीरे धीरे पानी डाल के कड़क आटा लगा लेंगे। पूरी जैसे आटा लगाना है, सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा कड़क नहीं। इस तरह से हमने आटा लगा लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा तेल लगा के रख देते हैं। इसको 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम बनाएंगे चिकन की फिलिंग। चिकन लेंगे, इसमें हम प्याज डालेंगे, हरा प्याज, अदरक लहसुन, अजीनोमोटो, सोया सॉस, चिली सॉस और नमक। और इसमें डालेंगे तेल, 2 बड़े चम्मच तेल डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोमोज स्टफिंग हमारे रेडी है। अब मोमोज बनाते हैं। इतना आटा लेंगे हम, इसकी पहले हम पूरी बेल लेंगे। थोड़ी मोटी रखनी है इस तरह से। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। अब इसे इस तरह से हम कवर कर लेंगे। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें पिंच डालनी है। इस तरह से हम मोमोज बना लेंगे। मोमोज हमने रेडी कर लिए हैं। पानी गरम करने के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने 4 ग्लास पानी लिया है। अब 1 प्लेट में तेल लगा लेते हैं।
इस तरह से हम तेल लगा लेंगे और ये पानी पे रखेंगे। पानी बॉईल हो गया है, अब मोमोज को थोड़ा तेल लगाएंगे। अब हम इसमें मोमोज रख लेते हैं। अब हम इसे ढक्कन लगा के मीडियम गैस के ऊपर 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, मोमोज हमारे रेडी है, गैस बंद कर देते हैं। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। रेडी है हमारे चिकन मोमोज। चिकन मोमोज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।